भाटवाड़ा की इस एक रोज़ा मीटिंग में मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और तालुका प्रेसिडेंट साथ ही सिटी प्रेसिडेंट्स का इस्तकबाल करता हूँ औरंगाबाद इस शहर में, और उम्मीद करता हूँ कि आपने सफ़र की जो तकलीफ़ें हैं जो बर्दाश्त की है उसे बहुत आसानी से कबूल किया होगा, इसलिए कि हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, खादी में खिदमत गुजार हैं, इसलिए इस राह में आने वाली सारी तकालीफ से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। पिछले 2 सालों से मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के कार्यकर्ता और उसकी लीडरशिप मुस्तकिल अपने कैडर के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, तालमेल बनाए हुए हैं, किसी तरह से भी हम अपने काम को रोक नहीं सके। इन नागहानी हालात में जबकि फिजिकल हमारा मिलना मुमकिन नहीं था, उसके बावजूद हमारे तमाम लोग जूम पर मीटिंग करते रहे, फ़ोन पर एक दूसरे से रब्त में रहे। नतीजतन जो चीज़ या हमारी लीडरशिप जो सोचती थी उसको हमने पूरे महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट किया, ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और सिटी प्रेसिडेंट्स काबिले मुबारकबाद है कि इन्होंने जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी जानों की फिक्र करते हुए डर रहे थे, घरों के बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन हमारे ये जानिसार लोग फील्ड पर काम कर रहे थे, काम करते हुए हमारे कुछ साथियों ने अपनी जान भी उस खुदा के हवाले कर दी जिसकी वो अमानत थी। खासतौर पर हम नाम लेना चाहेंगे यार साहब का, फेरोज खान साहब का, और भी बहुत सारे साथी हैं जो इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात को मालूम, और हमारा यकीन भी है कि हम जो कुछ करते हैं वो आखिरत की फलाह बहबूद के लिए ही काम करते हैं। हम किसी से अजर नहीं मांगते बल्कि हमारा अजर देने वाला अल्लाह है। दोस्तों, हमको ये अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ये कोई एक जमात नहीं है, कोई फिरका नहीं है, ये एक सोशो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है। प्रेशर ग्रुप का मतलब ये होता है कि हम अपने मुल्क के अंदर अपनी आवाम के मसाइल को हल करने के लिए जमहूरी तरीके से जो काम करेंगे, जो तरीके अख्तियार किए जाएंगे, जिस तरीके के साथ हम काम करेंगे और आवाम को फ़ायदा पहुंचाएंगे, वो होगा प्रेशर ग्रुप। इसके ऊपर तफसील से महमूद खान साहब आपको बात बताएंगे, लेकिन हमको ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि ये एक प्रेशर ग्रुप। दूसरी अहम बात ये है कि इसके अंदर इशू बेस्ड लोग आते हैं। किसी जमात के अंदर ऐसा होता है कि लोग परमानेंट मेंबर बनते हैं और मेंबर चलते रहते, उसके अंदर लोग ऐड होते रहते, लेकिन इसके अंदर ऐसा होता है कि इशू बेस्ड लोग आते हैं। मिसाल के तौर पर आपने हेल्थ इस इशू को लेकर के काम किया, तो अभी लोग हेल्थ को जूझे हैं जिनके अंदर एहसास पैदा हुआ वो आपके साथ जुड़ जाते हैं और उस अभियान तक उस मुहिम तक वो काम करते हैं, और उनका इंटरेस्ट खत्म होता है या उनका काम खत्म होता है, वो बहुत बढ़ जाते हैं। इसी तरह से जब आप लोग राशनिंग के ऊपर काम करते, फूड पर काम करते हैं, तो जो जूझ रहे हैं, जो मुतासरीन हैं, लाभार्थी हैं, वो लोग आपसे जुड़ जाते हैं, वो काम करते, आंदोलन करते, बाद में फिर वो चले जाते हैं। तो अलग अलग मूवमेंट पर अलग अलग लोग आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, लेकिन उसकी बेस में, इस मूवमेंट की बेस में बहुत अहम लोग होते हैं, वो आप लोग जो परमानेंट लोग जो कभी हटते नहीं है। ये बिल्कुल बेस है इसका, इस मूवमेंट का। चाहे इश्यूज मुख्तलिफ किस्म के कोई भी आए, उस इश्यूज को लेकर के चलने की जिम्मेदारी ये अहम तरीन लोगों पर होती है, जो आप लोग जो तादाद में कम होते हैं। मूवमेंट में ऐसे होता है कि लोग कम होते हैं, बातें ये मूवमेंट खड़ी होती है तो लोग जुड़ जाते हैं, इशू होता है और उसके बाद फिर वो लोग अपना काम करके चले जाते हैं और इशू सक्सेस हो जाता है। तो हमारी ये सोच नहीं होना चाहिए कि अरे MPJ के अंदर इतने लोग हैं, उतने लोग हैं, नहीं है, बल्कि ये ऐसा काम है जिसके अंदर लोग बज़ाहिर कम नजर आते हैं लेकिन क्या आवाज पर लब्बैक कहने वाले लोगों की कमी नहीं होती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस महाराष्ट्र के अंदर आपने
अवाम का करोड़ों रुपयों का फायदा करा, करोड़ों रुपयों का, जहां पर हमारे लोग या अदर कम्युनिटी के लोग पैसा जमा करके, चंदा जमा कर करके लोगों को खाना तकसीम कर रहे थे, अनाज तकसीम कर रहे थे। हमारे एमपी के जो आदमी थे उनकी कभी ये फिक्र नहीं हुई कि हम कुछ जमा करके बांटें, ये हमारी फिक्र नहीं थी, बल्कि हमारी ये फिक्र थी कि इनको खाना खिलाना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने सरकार पर प्रेशर किया, हमारे ऊपर के जिम्मेदारान, स्टेट के जिम्मेदारान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां पर मंत्रालय गए और ये बात मंजूर करवाई कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको, सॉरी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको आधार पर राशन दिया जाए। तो एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिला है, जिसके पास 10 राशन कार्ड उन्होंने लेकर आए, बच्चे के बड़े के मिला के उनको 50 किलो का इकट्ठा अनाज का मिला है। तो ये करोड़ों का फायदा एमपीजे के जरिए से हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पर महानगर पालिका, नगर पालिका पर हमने प्रेशर करके वहां पर भी उनको अनाज दिलवाने की कोशिश की। तो हमारी ये फिक्र है कि जो कुछ हुकूमत के पास, सरकार के पास लोगों के हुकूक हैं खाने के या तालीम के या सेहत के और भी दूसरे जो मसाइल के हुकूक हैं वो हासिल करने चाहिए, ना कि हम चंदा करके कोई चीज प्रोवाइड करें। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमने पिछली मरतबा हेल्थ के ऊपर काम किया, हेल्थ के जो प्रॉब्लम हमने देखे हमने हेल्थ पर काम किया और हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात की, 1 घंटे की मुलाकात रही, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल को सामने रखा गया और उस पर काम भी हुआ। फूड के ऊपर काम चल रहा है कि आपके इल्म में है, इस तरह से अलग अलग फील्ड के अंदर हम प्रेशर करके अपना काम हम करते रहते हैं। हमारी यह ऑर्गेनाइजेशन नॉन रिलीजियस है, यह हमको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, यह कोई मजहबी तंजीम नहीं है। इसलिए कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम मजाहिब के लोग आने हैं, अभी कुछ मुखावत पर हैं, अलग अलग जिम्मेदार शामिल हो रहे हैं। हमारी इस वर्क को देखकर बहुत इंप्रेसिव है, कहीं कहीं धरने आंदोलन में वो इन्वॉल्व भी होते हैं, कहीं मेमोरेंडम देने में वो शामिल भी होते हैं। एक वक्त आने वाला है कि आपके पास अपर कास्ट के लोग भी आएंगे, लोअर कास्ट के लोग भी आएंगे, सारे कम्युनिटी के लोग आएंगे, महिलाएं आएंगी, बहुत सारे मुकाम पर महिलाएं भी हैं, शामिल हैं, अदर कम्युनिटीज के लोग भी हैं। जब सारे लोग जब ये आ जाएंगे, गुलदस्ता बनेगा, तो कोई एक मजहब की बात करना वहां पर मुनासिब नहीं रहेगी। इसलिए इसके जो फाउंडर्स हैं, इसके जो जिम्मेदारान है, उन्होंने ये तय किया कि हमारे स्टेज से किसी मजहब की बात नहीं होगी, किसी महापुरुष की बात नहीं होगी। अगर हमने, क्योंकि हमारे पास हर एक दिन एक ही जयंती रहती है, अगर हमने शिव जयंती मनाया तो अम्बेडकर जयंती है, फिर गांधी जयंती है, फिर ये तो फुले साहब की जयंती है, तो इस तरह से रोजाना एक जयंती मनाते रह जाएंगे आप। इसलिए हमारी ये फिक्र रहनी चाहिए कि हम कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसके साथ साथ नॉन पॉलिटिकल का मतलब ये कि पॉलिटिक्स से हमारी किनाराकशी नहीं है, हम फिलहाल इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स पर असरअंदाज होते हैं। असरअंदाज होने का मतलब ये है कि जो नुमाइंदे इस मुल्क को चला रहे हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सेंट्रल हो, इसको चला रहे हैं, उन तक अवाम की जो मसाइल है, जो समस्याएं हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए। हम पॉलिटिक्स के ऊपर असरअंदाज होकर ये बताएं कि आपकी आंखों के सामने वो चीजें शायद हो या ना हो, हमारे सामने वो चीजें कि आरोग्य को लेकर देश की क्या सूरत हाल है, आवाम कितनी परेशान है, फूड को लेकर क्या मसाइल है, और भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं को उनके सामने रखकर उसको हल करवाना, ये हमारा सबसे अहम काम। तो पॉलिटिक्स को हम लोग मायूम नहीं समझते, उनसे रब्त रख सकते हैं, उनसे मुलाकात रख सकते हैं और उनके साथ ताल्लुकात बनाकर अवाम की जो हुकूक है उसको दिलवाने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो आपको आज की इस मीटिंग के अंदर आप देखेंगे कि हमारे महमूद खान साहब सेक्रेटरी साहब हैं, जो आपके सामने एमपीजे का विजन क्या है, उसकी सोच, उसकी फिक्र, इसकी रूह क्या है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो है सिराज साहब भी पहुंच रहे हैं, अफसर उस्मानी साहब पहुंच रहे हैं और तंजीम अंसारी साहब पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे कि हर शहर के अंदर इससे पहले हम लोग इस बात की कोशिश किए थे कि आपसे इंफॉर्मेशन सेंटर हो, उसकी अहमियत और जरूरत से हम लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उसके जरिए से कितने काम किए जा सकते हैं, वो आपको बताए जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम हर मुकाम पर इंफॉर्मेशन सेंटर कायम हो। तंजीम अंसारी साहब
जो भिवंडी कैंडे का अच्छा तजुर्बा रखते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, किस तरह से इसको रन किया जा सकता है वो आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से आज हम लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की जो प्लानिंग की गई है, जो प्लानिंग आपने की है कि हमारे पास किस फील्ड के अंदर हम काम करेंगे, कम से कम एक ऐसा जिले का मुद्दा हो जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, फिर कौन कौन से लोग कौन किस किस फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं, फिर एक आपका एक्सपांशन में किन किन तालुकों में आप जिले के तालुकों में जाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मजबूत करवाएंगे, ये चीज पेश करना है। ये भी आपको तय करना है कि आपके पास ब्रादर निमंत्रण से लोग कितने आएंगे, वीमेंस कितने आएंगे, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है। तो भाइयों, आज आपने जो यहाँ पर तकलीफ की है तो इसका फायदा भी उठाना चाहिए। हम चाहेंगे कि जो बातें यहाँ पर कही जा रही है उसको हम नोट करें, उसको लिखें, उसको समझें। सवाल जवाब का भी मौका है, सेक्रेटरी साहब की तकलीफ के बाद आपको सवाल जवाब का मौका भी रहेगा। आप खुल के सवाल कीजिए, सवाल करने का मतलब ये होता है कि आप समझ के कुछ काम करना चाह रहे हैं। आपको एक चीज बताया कि कल हमारी जूम पर मीटिंग कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को हमने इसमें ज्वाइन करवाया था और स्टेट की जो हमारी बॉडी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो थी साथी के साथ। साथी ये हेल्थ की एक ऑर्गेनाइजेशन जो महाराष्ट्र में काम करती है, जो हेल्थ पर काम करती है, पूरे नॉन मुस्लिम काम करते हैं। मुझे याद है कि जब स्टार्ट में जब हम लोग हेल्थ पर काम करना चाहते थे उस वक्त इन साथी के लोगों से हमने मुलाकात की कि हमारे लोगों को, हमारे कैडर को, अफराद को, कार्यकर्ताओं को एक ट्रेनिंग आप दीजिए, हमारे प्रोग्राम में आइए और हेल्थ के ऊपर बात बताइए। तो उन्होंने कबूल नहीं किया, उन्होंने कबूल नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम नहीं आ सकते। ठीक है, मुझे याद है कि हम जिस कैंप पे शायद धुलिया वगैरह के अंदर था ना, जलगांव में हुआ था, हम जब कैंप कर रहे थे तो वो ऐसे तकरीबन 150-200 लोग हमारे थे, पूरे महाराष्ट्र से लोग आए थे। वो उसके सेशन में उसने अपनी बातें बताई, लोगों को ट्रेनिंग दी, और जब ब्रेक हुआ देखा कि सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, प्लेट ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो उन्होंने एक दो को पूछा, हमने पता है हमारे सदर साहब ने कि कुछ लोग जिले से भी हैं, तालुका से भी है, ग्रामीण से भी है। पूछा अरे कहाँ से आए, ग्रामीण से आया, अच्छा क्या करते हैं ये काम पर, तुम कहाँ से आए, मुलाकात किया उसने, उसने मालूम किया कि ये लोग यहाँ पर अपने पैसों से आए हुए हैं और खाने का पैसा भी अदा कर रहे हैं, लाइन लगा के खड़े हुए हैं, और अपने मुखार पर जब जाएंगे तो काम करेंगे तो कोई पैसा वैसा भी नहीं लेंगे, गाड़ी में पेट्रोल अपने पैसों से डालेंगे, मोबाइल का चार्जिंग अपना रहेगा, वक्त भी देंगे, फ्री में देंगे। वो आदमी बहुत मतलब मुतासिर हुआ, बहुत इंप्रेस हुआ। और जब लास्ट के प्रोग्राम खत्म होने के बाद दूसरे दिन सदर साहब उसके पास गए और लॉज के ऊपर कहा कि साहब ये आपकी जो वाउचर है आप बिल बनाकर हमको दे दीजिए कितना बना। तो उसने कहा कि साहब सॉरी, माफ करना, हम कुछ और समझ रहे थे, लेकिन जो लोग, जो कार्यकर्ता अपने जेब का पैसा लगाकर यहाँ पर आते हैं और अपना जेब खर्च करके ग्राउंड के सतह पर नीचे जाकर लोगों को काम करते हैं, वो छोटा मोटा काम करने वाले लोग हैं, इतने अच्छे देश के अंदर काम करने वाले लोगों के साथ हमारे खुश नसीबी होगी हम उनके साथ रहें, उनके साथ काम करें, हम आपसे कोई पैसा नहीं, बराबर जी। ये आपके लिए स्टेटमेंट, आपके वर्क को देखकर ये चिंगारी है, हम इसको शोला बनाना चाहते हैं, हम इसको पूरे मुल्क के अंदर पूरे आवाम को मुतासिर करवाना चाहते हैं। यहाँ के जहनों के अंदर जो गलत फहमियां या जहर घोला गया है उसको दूर करने का हमारे पास इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। क्या आप उनके साथ जाएं, आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत नेक हैं, बहुत सच्चे हैं, लेकिन अपनी जगह पर हैं, आप बहुत काम करते हैं अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनसे रिलेशन बनाइए, उनसे ताल्लुकात बनाइए, उनके पास जाइए और बताइए कि हम इस देश के अंदर कैसा निज़ाम लाना चाहते हैं जिसके अंदर भाईचारा हो, मोहब्बत हो, इंसानियत हो, लोग एक दूसरे के काम आए, जिन आज़ादी के जियालों ने अपनी जानें दी थी, जो सोचा था कि मेरा देश ऐसा होगा, आज आज़ादी के 70-72 साल के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हम जा खड़े थे वही हैं, गरीब गरीब हो गया है और अमीर अमीर हो गया है, अमीर तरीन हो गया है। आरोग्य की क्या सूरत हाल, एजुकेशन की क्या सूरत हाल है, पीडीएफ की क्या सूरत हाल है, और बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या ये कम हुई है, क्या नहीं हुई है, तो क्या हमने इसीलिए आज़ादी मांगी, ये सोच हमारी बननी होगी। और हमको जो कहा जाता है कि ये देश के अंदर जो है इनका कोई रोल नहीं है, इसके अच्छे बुरे के अंदर रोल नहीं है, तो एमपीडीएम अच्छे बुरे के रोल को लाना चाहती है, आपके जरिए से लाना चाहती है, आप यहाँ की पॉलिसीज के ऊपर नुक्ता उस पर उंगली रखकर बताएंगे कि यहाँ पर खामी, यहाँ पर गलती है, इस पॉलिसी को सीधी करनी चाहिए।
एक बेवा को कहा जाता है कि तुम्हारा राज तुम्हारे को जो है वो संजय गांधी निराधार योजना का फायदा होगा, आपको इनकम सर्टिफिकेट पेश करना है। उसके बाद इनकम ही नहीं, सर्टिफिकेट कहां से बनेगा? सोचने की बात। एक अपन है भीख मांगता हूं और उसको बोलते इस तरह इनकम सर्टिफिकेट, सोचने वाली बात है। इस तरह की चीजें हम उनके सामने रखेंगे। दारिद्र्य रेखा खाली का जो मैयार उनके पास है बहुत मामूली है, बहुत मामूली है। अभी जो राशन तुमको मिलता है ये 59 रुपीस के, जिसकी इनकम है सालाना 59,000 किसकी इनकम है उसको राशन मिलेगा। 60,000 होगा तो उसको नहीं मिलेगा, सॉरी 59 पर नहीं मिलेगा, 60 पर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मुझे ये बताइए क्या इतनी कम इनकम के ऊपर क्या हम जिंदगी गुजार रहे हैं क्या? इससे कई गुना हमारी इनकम, इसका मतलब कि इसको बढ़ाना, क्राइटेरिया बढ़ाना पड़ेगा। सरकार ने ये क्राइटेरिया को बढ़ाना चाहिए, इस तरह की डिमांड हम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपकी जो पहचान है बहुत अलग है, बहुत अच्छी है, इंडिविजुअल है। लोग क्या करते हैं सोशल काम के नाम पर खून का हथियार देते हैं, जमा करते हैं और कहीं पर जो है रोटी बैंक बनाते हैं, कपड़ा बैंक बनाते हैं, कुछ समझ में आकर तो ये करो और वो करो। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपके जिम्मेदार स्टेट में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, गौर खोज कर रहे हैं और मुद्दों को ढूंढ कर ला रहे हैं और ग्राउंड की सतह पर, नीचे की सतह पर कौन से इश्यूज हैं जिस पर हमको काम करना चाहिए वो आपके सामने लाए जा रहे हैं। तो आप इसको प्रतिनिधि को छोटा मत समझिए, ये आपके जैसा काम करने वाले आपको आपके शहर में नहीं मिलेंगे। उनकी सोच नहीं है कि वहां तक सोच सके, उनको पता नहीं है कि आप इश्यूज कैसे लेकर आते हैं। तो अपने आप को आप छोटा मत समझिए, आप बहुत रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हो। तो आज की इस तंजीम के, आज की इस मीटिंग के अंदर बहुत अहम बातें आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि आप तवज्जो से सुने। बहुत बहुत शुक्रिया।